अलैकुम, मी सुलेमान जट फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। दोस्तों आज मैं पार्ट टू रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ गो SMS ब्रो का। तो उसमें उसकी सेटिंग सिक्योरिटी और डिफरेंट जो है वो टैब्स के बारे में मैं बताऊँगा। तो उसकी तरफ वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जुड़ी बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि उनको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो बआसानी मिल सके। तो चलें दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। गो SMS ब्रो मैंने ये ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने भी ओपन हो जाएगा। पूछ रहा कि हाय इन्जॉय यूजिंग, आप कह रहे हैं कि आप जो है ना वो GoSMS को इन्जॉय कर रहे हैं। मैं इसको नॉट रियली पे कर देता हूँ फिलहाल। ये ऐसे ही आपके सामने रिफ्रेशिंग हो के आ चुकी है, ये देखें। माय गॉड, फीडबैक हम नहीं करेंगे अभी। चले पहले बताना ही नहीं, क्लोज कर देते हैं। ये देखें, जैसे ही आपके सामने ये आ जाएगी, अब मैं इसको लेकर जाता हूँ इसके मतलब पर। सही, आप यहां से एडिट नेम भी कर सकते हैं, यानी अपना जीमेल चेंज भी कर सकते हैं इसके ऊपर, या कोई भी नाम लिख सकते दे सकते हैं इसको अपना। सेटिंग है माय थीम, इसमें आप थीम स्टिकर्स और वो इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। थीम डी आई अभी इसमें नहीं है, ठीक है। प्राइवेट बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। वो पूछ रहा है कि चेंज करें, ठीक है मैं इसको यस कर देता हूँ कि पहले बाय डिफॉल्ट इसको बना लेता हूँ। जी तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड। आप यहाँ पर पासवर्ड लगा के मतलब अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन सेव कर सकते हैं। क्लिक करके देख लेते हैं एक दफ़ा क्या आता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि वो उसको खोल भी नहीं रहा। इसी तरह प्राइवेट एल्बम भी है, इसमें भी आई थिंक सो वही सीन होगा। क्या पासवर्ड लगा सकेंगे? ये ऐड है जैसे ही मैंने आपके सामने ये मतलब ये खोल रहा हूँ तो ये मुझे जी कैमरा दिखा रहा है, ये ऐड आ रही है ऊपर। इस पे आ रही है फिलहाल, वो बाद में इसको देखेंगे। ये ब्लॉकर है, यहाँ से आप मैसेजेस ब्लॉक जो किए वो चेक कर सकते हैं। ये फेवरेट है, यहाँ से फेवरेट मैसेज आपने जो किए होंगे वो देख सकेंगे। अब आती हैं हम अपनी सेटिंग की तरफ। ये मैंने सेटिंग पे क्लिक कर लिया है। जैसा ही आपके सामने सेटिंग ओपन होगी तो ये देखें, सबसे ऊपर जनरल, इसको नोटिफिकेशन आगे। जैसे ही नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा सामने आ गया।
इसमें से आप इसमें आप अपने जो लेटेस्ट मैसेजेस हैं उसकी अलर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक वाइब्रेशन, साउंड और कलर्स, स्क्रीन फॉर न्यू मैसेजेस। अच्छा, ये आगे हम अगर बात करें तो आगे आती है हमारी अपीयरेंस। इसमें देख लेते हैं क्या है। बहुत ज़बरदस्त, आप यहाँ से इमोजी स्टाइल्स इनको चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर, फॉन्ट का जो साइज होता है उसे चेंज कर सकते हैं, चेंज फॉन्ट, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और इनबॉक्स स्ट्रेंजर मैसेजेस, ठीक है, उन जो एक डिफरेंट फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल वो नॉट चेक है, इसको मैं नॉट चेक ही रखूंगा। कॉन्टैक्ट फॉन्ट कलर्स, सेट मेन स्क्रीन बैकग्राउंड, वाओ नाइस, ये चैट एडवर्ड कॉन्वर्सेशन, ठीक है, सेट बैकग्राउंड। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कि वो अगर ओनली मोबाइल नंबर शो करें, नेम ना शो करें, तो ये भी इसमें है, ये कॉन्टैक्ट्स। और इसको मैं बैक करता हूँ और आगे हम चलते हैं। अगर जर्नल पर जैसे ही क्लिक किया तो इसमें हमें क्या मिलता है, वाओ, सबसे ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फीचर। दोस्तों इंटरेस्टिंग फीचर इसमें ये है कि आप चाहें तो हमारा जो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा हमें या तो सिलेक्शन करने पड़ते हैं या फिर सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं उन्हें आपको लॉन्ग प्रेस करके रखे तो फिर सिम टू और ऑप्शंस मतलब दिखती हैं कि सिम वन या सिम टू। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पे सिम वन और ऊपर सिम टू, मतलब राइट कॉर्नर पर नीचे बॉटम पर सिम वन और सिम टू के निशान शो होता है। अगर आप मैसेज टाइप कर रहे हैं तो मैं आपको जाकर वहाँ से दिखा भी दूंगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये देखिए, अगर मैं इसको करता हूँ, इसको मैंने देखो ऑफ कर दिया, कह रहा नहीं, ये फिर स्टार्टिंग भी साथ करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। बहरहाल अब ये अप्लाई हो चुका है, मैं बैग जाकर देखता हूँ। दोस्तों ये लोडिंग कर रहा है क्योंकि मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस काफी ज्यादा पड़े हैं। ये देखें, जैसे ये इरफान महमूद का मैंने ओपन किया चैट, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाय। अब ये देखें, सेंड बटन बटन, ठीक है, सेंड, लेकिन जब मैं उसको अनेबल कराऊंगा, जब उसको मैं अनेबल किया होगा तो फिर यहाँ पे सिम, जहाँ पे वन आ रहा है और ऊपर सिम वन और नीचे सिम टू ऐसे आ रहा होगा। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देखिए मैं सेंड कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। अब इसको मैं अनेबल करता हूँ दोबारा से वहाँ से जाके। जी तो ये देखें, इसकी सेटिंग में चलता हूँ मैं, ये जैसे ही मैंने जर्नल पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने आ चुका है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अगेन, वो कह रहा कन्फर्म, तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये फिर से रिफ्रेशिंग हो के अप्लाई हो जाएगी सेटिंग, और इसका एक नतीजा ये देखें, मैं इधर आपको वापस आ गए, ये थोड़ा रिफ्रेशिंग पर टाइम ले रहा है,
ये देखिए ऐसा हो गया। ये देख सकते हैं आप। अब फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये देखें टॉप पे सेंड बटन सिम वन और सेंड बटन सिम टू, ये है इसका फ़ायदा। जो कि मैं सेंड बटन सिम वन पे मेरा मैसेज पैकेज है तो मैं वन से क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा मैसेज सेंड हो चुका है। ये दोस्तों नॉर्मली मैसेजिंग एप्लीकेशन में नहीं होता। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो मुझे भी पसंद आया। आगे चलते हैं इसकी। जर्नल पर आए दोबारा। और दूसरा जो इसमें ऑप्शन है SMS डिले सेंड, आप इसको डिलेइंग टाइम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर, ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट, ये आप उसको रहने दें, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। ये MSS साइज लिमिटेड, इसको भी नहीं छेड़ना। माय फ़ोन नंबर सिम वन, ठीक है ठीक है। मतलब ये सिम वन पर auto retrieve automatically retrieve messages ticked tick box group messaging use MMS as others advanced settings application permissions reset the default। अच्छा दोस्तों ये reset default अगर आप करेंगे तो जितनी भी आपने settings में changing की होगी वो आपकी सारी by default जो company ने या जो developer ने रखी होगी वो वापस आ जाएंगी। ये भी एक बहुत अच्छी मतलब interesting option है। तो चलते हैं देखते हैं। एप्लीकेशन परमिशन है, एडवांस सेटिंग है, अदर्स है। अच्छा पहले अदर्स में एडवांस सेटिंग आती है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या आता है। जैसे मैंने एडवांस सेटिंग पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई। To get rid of it, tick-tock, split large messages, some on CDMA network with limited support for long messages, set this to split them, not tick-tock. सही, तो कुछ messages long होते हैं, उनको भी आप यहाँ से send कर सकते हैं, तो वो बहुत easily यहाँ से share हो जाते हैं messages. MMS. ये MMS है. Roaming auto-retrieve. Roaming. SIM1 APN config. APN configuration. App configuration. ऑटोमेटिक होता है ये, मतलब सर्विस खुद ही इसको डिफाइन कर देता है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन परमिशन है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह की सेटिंग्स आई। दोस्तों ये वो एप्लीकेशन परमिशंस है, अगर आप इसको अलाउ, ये अलाउ है फिलहाल देखें तो आप इसको, मेरी ये सजेशन है कि इसको ऑफ ही रखा करें। ये ऑन है, इसको ऑफ रखा करें ताकि आपका जो डेटा है वो आपका किसी अनऑथराइज पर्सन के पास या किसी हैकर्स के पास ना जा सके, आपके मैसेजेस कॉन्टैक्ट्स और सीक्रेट चैट डिफरेंट थिंग्स। इसको भी आप ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ इसको, बैक करता हूँ उसमें। लास्ट है रीसेट, इस पर आप हमारा कोई काम नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे जो है एड ब्लॉक, आप एड ब्लॉक पे क्लिक करके नंबर ऐड कर सकते हैं जो आपको तंग कर रहा हो या जिसको आप ब्लैक लिस्ट में लाना चाह रहे हो। ये टूल्स है, ये कैप्चर जो इसकी वीडियो करता है, ये इसके इसमें वीडियो कैप्चरिंग भी है भाई, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये एच डी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा ये गो कॉल रिकॉर्डर ये वर्क नहीं करता अभी। ये SMS सिक्योरिटी, आप यहाँ से SMS को सिक्योरिटी लगा सकते हैं। प्राइवेसी बगलर, गो कीबोर्ड प्रो, अदर्स,
तो दोस्तों ये थी आपकी पार्ट टू, और देख लेते हैं SMS security. SMS secure SMS safety. 1. Protect you from SMS malware, hijacking viruses. 2. Free real-time protection. 3. Free app-test full score antivirus engine. Download. तो ये दोस्तों अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फ्री होगा, ये पेड होगा, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। Go Keyboard Pro, Privacy Bugler. Privacy Bugler में भी देख लेते हैं Go SMS Pro, ताकि आप लोगों को कोई शक शुबा ना रहे कि मैंने आप लोगों से कुछ छुपाया है। Keep your private life safer. Smart app lock colon avoid SMS information leakage. 2. Encrypt pictures easier colon secret space to save your pictures. 3. Hide videos safer colon keep snoopers away from your privacy videos. Download. तो ये भी ये पेड में आ जाते हैं। अगर ये फ्री भी और पेड भी है, मैं पेड नहीं यूज़ कर रहा, मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये मसला है। SMS Pro, Go Keyboard Pro. Best keyboard goes with Go SMS Pro. ठीक है, वो कह रहे हैं कि बेस्ट जो Go SMS Pro का कीबोर्ड है। 1. Excellent design and beautiful themes. Excellent design. 2. Tons of stickers and gifts for fun to chats. 3. Smooth swipe typing, auto dash correction and text prediction improved typing experience. Download पर क्लिक करके देख ही लेते हैं। Google Play Store. Google Play Store पर क्लिक किया। Play Store. तो I think so, या तो ये not available होगा या फिर यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। I think so, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मुझे make sure। अगर आ भी गया तो वो पेड होगा। ठीक है, ये इमोजी गिफ्ट्स का मतलब इनका कीबोर्ड है। एवरेज रेटिंग ये 18 एमबी का है। बेस्ट फ्री वीडियो डाउनलोडेड 10 मिलियन। बेस्ट फ्री वीडियो डाउनलोड इंस्टॉल प्ले ट्रेलर फॉर इंस्टॉल ठीक है इंस्टॉल प्ले ट्रेलर फॉर गो कीबोर्ड प्रो डैश। तो यहां से आप इसकी वो ट्रेलर्स भी प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।